हम इस समय मौजूद हैं इमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास ही खादर का इलाका आता है, जहां पर ये नर्सरी उगाने का काम करते हैं। लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, जिसमें मास्क सैनिटाइजर और अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है। ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संस्था से मिलकर इस तरह के कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारे इंस्पेक्टर धर्मवीर बघेल जी आते हैं, जिन्होंने कोरोना काल में इतना कार्य किया है, जिनकी काम की प्रशंसा अगर की जाए तो बहुत कम रहेगी। मैं जानना चाहूँगा आज भी यहाँ वो उपलब्ध हैं, और जिस जगह कहीं अगर सोशल काम हो रहा हो धर्मवीर बघेल जी ना पहुँचे, शायद ऐसा कोई वक्त होता हो, ऐसा कोई समय होता हो। और मेरे साथ मौजूद हैं जी, बताएं कि आप जो इस तरह के कार्य करते हैं कैसे सेटिस्फेक्शन मिलता है और कितना समय अपनी ड्यूटी से निकाल पाते हैं? मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से भागीरथी चैरिटी है और बिहारी पहलवान जी इनके संरक्षक हैं, तो जिसे चैरिटी ने जो आज काम किया है, आप सब लोग जानते हैं पूरा विश्व वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, इसके तहत आज की तारीख में बहुत सारे लोगों के रोज़गार चले गए हैं, बहुत सारे लोगों के व्यवसाय चले गए हैं, बहुत सारे लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी है, प्रवासी लोगों को भी बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी है। और इस आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई ऐसा आदमी एक नोबेल कोज करता है तो उसके लिए मेरा सलूट है। मैं उसको मानता हूँ कि इस महामारी के दौरान भी अगर कोई आदमी इस तरह की चैरिटी कर रहा है और लोग छोटे छोटे जो लोग हैं उनको चीज़ें मुहैया करा रहा है, ये बिल्कुल काबिल तारीफ है। मैं आज इसी उपलक्ष्य में भागीरथी चैरिटी वालों को, पहलवान जी को और हमारे वीरेंद्र जो रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने आज ये प्रोग्राम जो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का, कपड़े डिस्ट्रीब्यूशन का और फूड पैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन का किया है, मैं इनका जो काम है बहुत सराहनीय है, मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे आशा करता हूँ कि ये अपना काम अच्छी तरह से और भी करेंगे, और आज इन्होंने जितने करीब करीब 250 लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, आगे लोगों इनकी संख्या और बढ़ेगी। जी, जिस तरह से आप सरकारी महकमे होने के बाद, और आपका महकमा तो बहुत ज़्यादा बिजी महकमा है, उसमें से भी आप ऐसी संस्थाओं के लिए जो काम समय निकालते हैं और साथ में उनको श्रेय देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, ऐसी संस्थाओं के लिए कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस में रहते हुए काफ़ी 2400 घंटे की ड्यूटी होने के बावजूद भी हमने इंसान का जन्म लिया है, और इंसान के जन्म में अगर हम मानव सेवा नहीं कर पाए तो ये हमारे लिए थोड़ा तोहिन की बात होगी। तो इसलिए जितना मुझे जहाँ भी समय मिलता है उस समय में मैं मानव सेवा करता हूँ, और ये हर इंसान को भी थोड़ी बहुत करनी चाहिए, जिस पर जितना टाइम मिलता है उस मानव सेवा की उसी कड़ी में मैं आज यहाँ पर आया हूँ। वीरेंद्र भाई ने मुझे बुलाया था, मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हूँ करता हूँ, और जहाँ पर जो उपस्थित लोगों हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा मान सम्मान रखा और मेरे हाथों ये डिस्ट्रीब्यूशन करवाया, मैं इनका बहुत बहुत आभारी भी हूँ। वीरेंद्र पाल जी हैं जो संस्था चला रहे हैं भागीरथी चैरिटी, और इस तरह से निरंतर कार्य करते रहते हैं। इमुना खादर में इन्होंने लगा कि जगह ज़रूरत है मास्क और कपड़े का और फूड पैकेट वगैरह जो भी दिए। वीरेंद्र जी, ये किस तरह से आप प्रोग्राम मैनेज कर पाते हैं और कब से कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके टीवी के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे इस प्रोग्राम को कवर किया। और मैं बताऊँ, हम पिछले 6 साल से इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, और वो चाहे नोएडा के एरिया हो, गाज़ियाबाद के एरिया हो, दिल्ली NCR के एरिया हो, हम जो भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए, माता बहनें हैं जो भी है उनके लिए, जो खाना रोटी कपड़ा जो भी हमसे हो सकता है, जो भी हमारे चैरिटी संस्था के द्वारा हो सकता है, वो हम हमेशा मुहैया कराते रहते हैं। और आप उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में इससे भी बढ़िया जो भी कार्यक्रम है और जो भी हमारा समाज के लिए योगदान है वो हमेशा हम निरंतर ऐसे ही देते रहेंगे। वीरेंद्र पाल जी, क्या आपको गवर्नमेंट से संस्था का किसी तरह का योगदान होता है कि अपने पर्सनल पॉकेट से ये करते हैं संस्था से? अब फिलहाल तो अभी हम पर्सनली इसको अपना ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ऐसा कोई हमारी कोई फंडिंग नहीं है गवर्नमेंट से, जो भी हो सकता है हम पर्सनल लेवल से, हमारी टीम है। क्या सोशल फंडिंग भी कहीं से हो पाती है? नहीं, ऐसा अभी तो फिलहाल नहीं है, बट इन फ्यूचर देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें कितने लोग हैं आपकी टीम में जो इस काम को, इसको मुहिम को चला रहे हैं, और कितने लोग हैं जो भागीरथी चैरिटेबल से जुड़े हुए हैं? ये संस्था मेरी बहुत पुरानी है, जो इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाराणसी में है। इनफैक्ट यहाँ पे भी हम लोग उसका वेस्ट एरिया में अपना डेवलपमेंट को कर रहे हैं, और हमारे साथ जो भागीरथी चैरिटी है उसके साथ हमारी 40 से 50 मेंबर जुड़े हुए हैं, जो कि निरंतर इन चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं और वो हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। समाज को आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे कोरोना काल में जिस तरह से आप कर रहे हैं, तो एक आप किस तरह का
संदेश देना चाहेंगे कि समाज किस तरह से कार्य करे जो इन गरीबों का भी भला देखते हुए चले? देखिए, इसमें बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा पर्सनल एक्टिविटी है, जो प्रोफेशनल एक्टिविटी है, उसमें अगर हम पार्शियलिटी न करके अगर थोड़ा सा समय अगर हम समाज सेवा के लिए भी निकालें, तो हम मेरे ख्याल से ये जो गरीबी भुखमरी है वो एक दिन अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। अगर हमारे देश का युवा, हर एक वर्ग अगर इसमें इन्वॉल्व होके बस अपने लाइफ का कुछ पल, कुछ क्षण जैसे कह ले, उतना भी अगर कंट्रीब्यूट करता है, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी और ये सबको मिलकर करना चाहिए। मेरे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वीरेंद्र जी, आपने कहा कि जिस तरह से अपनी कमाई का हिस्सा और अपने जीवन का क्षण अगर कुछ समय अगर गरीबों के लिए सोचा जाए, तो मुझे लगता है देश से गरीबी खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, समाज के संस्थापक हैं, समाज के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आर्यन पाल जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। आप कैसा लगा इस प्रोग्राम में, आपको देख कर क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले मैं थोड़ा सा पैनल के सामने आ गया, आपका चैनल जो है 29, उसका धन्यवाद जो आप इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। और भागीरथी ट्रस्ट, जैसे अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि ये 5 से 6 साल में अपना ये पूरा तैयार करके इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, गरीबों की सेवा की, तो मैं ये समझता हूँ कि समाज नहीं, सर्व समाज, क्योंकि ये थोड़ा टाइम जो निकलता है, जिन्होंने जो टाइम निकाला है और जो भागीरथी ट्रस्ट है उस पर जो काम कर रहे हैं, ये सर्व समाज के लिए, समाज के साथ साथ ये सर्व समाज की सेवा कर रहे हैं और सर्व समाज में उनकी सेवा कर रहे हैं जो निरंतर चाहते हैं कि उनकी सेवा हो, नीडेड पर्सन जो गरीबी है और गरीबी से नीचे जो काम करते हैं, वो अपने आप में बहुत मान्यता, जिनको कहना चाहिए हम सवर्णियों कहना चाहिए, जो हम धन्यवाद कहना चाहिए, जो भागीरथी ट्रस्ट है वो उन लोगों की सेवा कर रहा है जिनको कोई नहीं पूछता, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ ये खड़े होके कर रहे हैं, जहाँ ये खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जहाँ ये कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो ऐसी जगहें हैं जहाँ लोग नहीं पहुँचते, तो ये बहुत बहुत अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, समाज के साथ हैं ये सब, समाज का काम कर रहे हैं और ये भागीरथी ट्रस्ट की अपनी उपलब्धि है और ये आगे चल के एक अच्छा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से बाहर के भी लोग हैं जो संस्था में लगातार कहीं अगर सुनते हैं कि सोशल वर्क कहीं हो रहा है, तो वो लोग भी अपनी मौजूदगी हमेशा चाहते हैं कि मेरी मौजूदगी रहे। ऐसे हमारे संतोष पाल जी जो आगरा से हैं, मैं जानना चाहूँगा संतोष जी, आज इस प्रोग्राम में आगरा से चलकर यहाँ पहुँचे, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज आपके TV29 न्यूज़ के माध्यम से आज बड़ा मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, दिल्ली आना था, बट वहाँ से आने के बाद आप लोगों के माध्यम से पता चला कि ऐसा एक नेक और बहुत अच्छा कार्य वीरेंद्र पाल जी भागीरथी चैरिटेबल से कर रहे हैं, तो फिर यहाँ आना हुआ। यहाँ जो इन्होंने वस्त्र वितरण, फूड वितरण का काम किया, और जो पिछले 6 सालों से बनारस से लेकर के दिल्ली तक करते आए हैं, वो तो नाम से ही पता चलता है भागीरथी। जैसे भागीरथ जी ने पूरी गंगा जी को कहाँ से कहाँ तक लोगों को पवित्र किया, और वही नाम लेकर आए वीरेंद्र जी बनारस से निकल कर दिल्ली तक, ये लोगों को आवश्यकता के अनुसार हेल्प करते हैं और ये करते आए हैं। ये कार्य करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लोगों को मंडली में, दोस्तों की मंडली में खर्च कर सकते हैं, अपने घूमने फिरने पर अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, लेकिन इन नीडी लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को ये सेवा करना एक बहुत बड़े दिल की ज़रूरत है। जो ऐसे वीरेंद्र जी को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने अपने बड़े दिल से इन ज़रूरतमंदों को आज ये काम करना किया है और आगे करते रहेंगे। और शुभकामनाएं भागीरथी चैरिटेबल को मैं देना चाहता हूं कि ये ऐसे ही दिन प्रतिदिन लोगों की सेवाएं करते रहें, और जिससे लोगों की दुआएं इनको मिलें, जिससे और कार्य चैरिटेबल बहुत बड़ा बन जाए। पर था तब उस समय लगातार कार्य करने वाले हमारे ऐसे समाज सेवी धर्म सिंह जी हैं, जिन्होंने जब लोगों को डर लग रहा था कोरोना की वजह से, अपने घरों से नहीं आ रहे थे, लॉकडाउन चल रहा था,
उस समय उनके जो लॉकडाउन में जो बंद थे, जो अपने घरों में मौजूद थे, उनके घरों तक भोजन पहुंचाने का काम धर्म सिंह जी कर रहे थे। धर्म सिंह जी आज ऐसे जगह और आप सोनिया बेहरा में निरंतर भंडारा करते रहे, आपने लोगों के घर में दवाइयाँ पहुँचाई, आपने लोगों के घरों में खाना पहुँचाए, आवश्यकता की सभी चीज़ें पहुँचाई और आज यहाँ भी आप खड़े हैं, आखिरकार कैसे कर पाते हैं आप इन सब? सर पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी को और बागमती ट्रस्ट वालों को, तो बहुत दिल खुश हो गया मेरा यहाँ आकर के कि ऐसे लोग अगर सभी ये सोच लें कि हमें कुछ अपने कमाई में से, अपने टाइम में से निकाल के और ज़रूरतमंद लोगों के लिए अगर देंगे, तो मैं कहता हूँ परमात्मा उनकी सुनेगा और कभी उनको कोई दिक्कत परेशानी ऊपर वाला नहीं आने देगा। और ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इन लोगों को ऐसा मौका मिल रहा है। और मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों को कि जितना हो सके, थोड़ा हो ज़्यादा हो, पर ज़रूर आगे आना चाहिए ज़रूरतमंद लोगों के लिए। और मैं तो वीरेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये लगातार अभी तक भी ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं, 6 साल से कर रहे हैं रेगुलर। तो मैं कहता हूँ ऊपर वाला इनको रात दिन चौगुनी तरक्की दे, यही परमात्मा से दुआ करता हूँ कि ये निरंतर ऐसा ही करते रहें। जो भी प्रोग्राम देखने में जिस तरह से आया, सभी लोग सोशल वर्कर हैं, सभी लोग चाहते हैं कि देश से गरीबी दूर हो और गरीबियों के लिए एक एक कदम सभी बढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग देश को ये संदेश जाना चाहिए कि ऐसे गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए लोगों को हमेशा सोचना चाहिए। जिस तरह से ये वीरेंद्र जैसे लोग सोच रहे हैं, वीरेंद्र पाल हैं, इनकी संस्था है भागीरथी चैरिटी, ऐसे अगर सोचें तो शायद देश से गरीबी खत्म हो पाएगी। कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ मैं उमेश पाल, TV29 न्यूज़।